कौन सा मास्क पहना आपने? आंखों का गरम होता ही मैं वाइट लग आई। आप वाइट लगोगी? जी। आप तो पहले इतनी भी आ रही हो। येलो पिंक। येलो पिंक लगोगी? वाटर मेलन पिंक। वाटरमेलन पिंक? नहीं माता। मटर नहीं होता, वाटर होता है। क्या होता है? मैं मटर लगी। अच्छा, अब मार्क्स उतार दो, आपका मार्क्स ड्राई हो गया। शाबाश, उतार दो मार्क्स। चलो कोई नहीं, बाद में उठा लेना। वाह बीरा, कितनी प्यारी गोरी चिट्टी हो गई है, दिखाओ इधर। वाह, अब थक गई हो जी। कैसे? ओहो, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो इस वक्त जो ये मैं शूट कर रही हूँ, व्लॉग ये कर रही हूँ, रात के तकरीबन 12:30 बजे, क्योंकि अचानक से ही चांद का ऐलान हो गया था और फिर मुझे फ़ोन वगैरह आने लग गए फैमिली के, फ्रेंड्स के जी चांद रात है आज। तो खैर से फिर कोई तैयारी तो की नहीं हुई थी, तो अचानक से उठी, फिर जो सुबह के खाने की तैयारी करनी थी वो की। तो फिर हलीम मैंने बनाई थी, और हलीम के लिए इस वक्त मैं ये जो सारी दालें हैं और जो बीफ है वो डाल के मैं चढ़ा रही हूँ। तो आप यकीन करें कि मैं बिल्कुल सोई हुई थी और बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी, अगर मुझे कोई फ़ोन ना आता तो फिर सारे टाइम ही उठना था। और हमने टीवी से भी नहीं देखा था, इस वजह से बड़ा ही मसला हुआ। और फिर खीर बनाने के लिए, क्योंकि दूध वगैरह भी नहीं मंगवाया हुआ था, अंदाज़ा नहीं था कि चांद रात हो जाएगी, तो फिर जो घर में अवेलेबल चीज़ें थी उन्हीं से मैंने थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था उसी से मैंने फिर ये एक बाउल जितनी खीर बनाई थी, वरना मेरा ख्याल था कि मैं ज़्यादा सारी बनाऊँगी। तो ये जी मैंने हलीम वगैरह चढ़ा दी हुई है, और खीर मैंने इंस्टेंट बनाई थी। वैसे मेरा इरादा था कि गाजर की खीर बनाऊँगी, लेकिन फिर इतना टाइम लग जाना था और उसके लिए दूध भी ज़्यादा चाहिए था, तो फिर मैंने थोड़ी सी ही एक बाउल ही बनाई थी। बाकी फिर सुबह हम लोगों ने सेवियाँ वगैरह बनाई थी, तो जी ये खीर बना के मैंने रख ली थी, और साथ मैंने जो है वो हलीम है उसका भी वो सारा मिक्सचर मैंने चढ़ा दिया हुआ था। तो इस दौरान फिर मैं फारिग थी, तो मैंने सोचा चले मेहंदी लगा लेती हूँ। तो रात को फिर ये देखें तकरीबन 2:30 बजे के करीब मैंने मेहंदी वगैरह लगाई, इंस्टेंट मेहंदी थी, इसका भी काफ़ी अच्छा कलर आ गया था। तो बस जिस तरह से मुझे लगानी आती थी मैंने उसी तरह से लगा ली, और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, ठंडा ठंडा मौसम था क्योंकि बारिश हुई थी, और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। और काफ़ी सालों के बाद ये ईद ऐसी आई है कि इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। तो जी हलीम भी हमारी डन हो गई। हलीम वैसे मैंने एक बार पहले भी शेयर की हुई है, तो इसलिए मैंने दोबारा इसकी रेसिपी शूट नहीं की थी, और कुछ मुझे ज़रा जल्दी भी थी कि जल्दी से मैं फारिग हो जाऊँ फजर से पहले पहले। तो फिर यह हलीम हमारी डन हो गई थी, और मेहंदी भी मैंने धो ली थी, मैंने सिर्फ 15 मिनट लगाई थी, और इसका कलर देखें आप इतना अच्छा आया। तो ये थी जो मेरी चांद रात की स्टोरी। अब आ जाते हैं जी ईद वाले दिन। तो ईद वाले दिन सुबह भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, मौसम बहुत अच्छा और ठंडा हो गया था। तो ये तकरीबन 11 बजे मैं रेडी हुई थी, क्योंकि गेस्ट वगैरह ने आना था। तो ये मेरा ईद का ड्रेस है जो कि मैंने जे डॉट से लिया था, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो ये मेरी आई मेकअप लुक है, बहुत ही सॉफ्ट सा मैंने जो है ना न्यूट से कलर मैंने यूज़ किए थे, और साथ मैंने पहली बार फेक नेल लगाए थे, मुझे इतने अजीब लग रहे थे ये लगाने, लेकिन खैर थोड़ी देर ही लगाए थे, फिर मैं क्योंकि आदत नहीं है तो फिर मैंने इनको चेंज कर लिया था। तो आप लोगों को अपना मेकअप लुक दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ कुछ ना कुछ तो आपको नज़र आ ही जाए। तो बाल जो थे वो मैंने हल्के से कर्ल किए थे, तो
जी ईद वाले दिन के बाद मैं इतनी मसरूफ़ हो गई कि वीडियो का जो लास्ट है वो मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई, और ना ही मैंने खाने की कोई वीडियो बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो आज मैं इसका जो लास्ट सीन है वो मैं रिकॉर्ड करके तो वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा दिली ईद मुबारक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।